लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के द्वारा आज भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। देश की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने हर कदम पर देश के नागरिकों की हर संभव मदद की सफल कोशिश की है। इस लड़ाई में हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए मिलें ऐसे ही कुछ योद्धाओं से, जिन्होंने कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार के कार्यों को और गति देने के लिए अपने स्तर पर की पहल। हेलो, हाँ 108 एम्बुलेंस सेवा से बात करते हैं। पेशेंट को क्या हुआ? बस हम पहुंच रहे हैं। पहले हैंडओवर में हमारे टाइम इतना नहीं लगता था, लेकिन ये कोरोना आने के बाद ज़्यादा वक्त उनके साथ हमें पेशेंट केबिन में रहना पड़ता था। एवं घना केसेस से के हमना मदर फादर हो, ये लोग हमना छोकरा हो, हमने अडवा राजी न होता। खाली एक रूम में पड़ा हुआ भाई, तकलीफ थी एट फोन कर दे, अमे लेवा जाइए, कोई साथ आत नहीं तो हमने घर थी लाइन एम्बुलेंस में लेता, एम्बुलेंस में लाइन हॉस्पिटल पहुँचाड़ता। चेस्ट पेन का पेशेंट हूँ मैं खुद इकोस्प्रिन 75 लेता हूँ, कॉम्बीफ्लाम लेता हूँ, तो मेरे दिल में डर ज़्यादा हो गया था, ये सिनारियो में मैं काम नहीं कर पाऊँगा। मैं भी यही बोल रही थी कि तू ऐसे भगोड़ा साबित होके तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता है, यही तो वक्त है कि जब कुछ करके दिखाना है। इस समय में कॉल आता क्यारक क्यारक 5 केस आ जाता, 7 केस आता था, क्यारक 10 ही केस थी जाए, टिफिन आम नम पड़ू रहे, हमारो जमानो टाइम न मिले। पेशेंट को बार बार ऑब्जर्वेशन करना है, बार बार उसको पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हमें उसका SpO2 चेक करना है, बल्कि मेंटेन भी करना है। पेशेंट को ज़्यादातर मोटिवेट की ज़रूरत थी, जो हम वहाँ पर भी करते थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाने से भी डरते थे। મારા ફાધરની તબિયત થોડીક બગડી હતી, 21 તારીખે મારા પપ્પા ઓફ થઈ ગયા અને 25 તારીખે મારા મમ્મી, જે અમારી વિધિ હોય વિધિ પતાવી તરત નોકરી હાજર થઈ ગયો હતો। બીજાની હારે કોઈની હારે તકલીફ ન થાય ને આપણે કોકને મદદરૂપ થયું ને આપણે લીધે કોકની જાન બચી જાય, એ આપણા માટે એક આશીર્વાદ મળે કોકને। કઈ કેસ અમારે પાસે આવે કે જો પહેલે હી ફોન સે વો ઘબરાને લગે ઓર વહાં જાકે હમે ઉને કાફી સમજાના પડા થા, तो वो लोग आज भी हमें बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपकी वजह से ये हुआ है। हम लोग ऑलवेज इनको ये बोलते हैं कि बस भगवान को थैंक यू बोल दीजिए। काफ़ी लोगों को हम हॉस्पिटल तक पहुंचा चुके हैं और काफ़ी लोग हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर बाहर भी आ रहे हैं। कोविड के समय में प्रवीण और निसार जैसे देश प्रेमियों ने आगे बढ़कर देश को बचाने के लिए सराहनीय प्रयत्न किए। महामारी के इस कठिन समय में सरकार का भरपूर साथ देकर देश सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी सेवा, आपका श्रम, सर्वे भवन्तु सुखिनः के हमारे संकल्प को अवश्य सिद्ध करेगा। हमारा देश कोरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा।